फ्रेंड्स, चतुर रेसिपीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज की हमारी रेसिपी है मिठाई। तो उसके लिए हमने ली है एक कटोरी चीनी, थोड़े से काजू बादाम जिन्हें हमने पीसेस में कट कर लिया है, ये ली है इलायची। तो इलायची पाउडर अगर आपके पास है तो वो यूज़ कर लीजिए, हमारे पास नहीं था तो हमने उसको क्रश कर लिया, यानी कि कूट लिया इलायची को। और एक कटोरी हमने लिया है घी। और अब लेते हैं एक बाउल, और बाउल में हम लेते हैं बेसन। तो हम बेसन से बनाने वाले हैं ये मिठाई। तो इसमें हमने लिया है बेसन, तो दो कम से कम चम्मच, जो बड़ा चम्मच होता है उसी के नाप से 2 चम्मच हम यहाँ बेसन लेंगे। दोस्तों, ये रेसिपी बहुत ही अच्छी बनती है। मिठाई अगर आपको घर की पसंद है तो एक बार ज़रूर ट्राई करिएगा, बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत ही ईजी बनती है, और घर की चीज़ें बनी हुई शुद्ध तो होती ही हैं। तो इस तरह से हमने यहाँ 2 कप बेसन लिया है। और अब लेते हैं एक कढ़ाई। तो कढ़ाई को गर्म करेंगे, लोहे की कढ़ाई मत लीजिएगा क्योंकि काली हो सकती है आपकी मिठाई, इसलिए हमने नॉर्मल कढ़ाई नॉनस्टिक के लिए। और चीनी को जो हमने लिया था 1 कटोरी, इसको पहले पीस लेंगे। आप चाहें तो इसका सीरा बना करके भी डाल सकते हैं और चाहे तो पीस के भी डाल सकते हैं, हमने यहाँ पीस लिया है। और अब इस घी को जब गर्म कर लें, नहीं घी गर्म हो जाए तो उसमें ऐड कर लें बेसन अपना, और बेसन को अच्छे से घी के साथ मिलाते रहें, यानी कि चलाते रहें लगातार। और जब बेसन और घी अच्छे से मिक्स हो जाए तो उसमें पिसी हुई चीनी जो आपने पीस के रखी थी वो ऐड कर लेंगे, और उसको भी अच्छे से चलाते रहेंगे, मिलाते हुए इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे, लगातार चलाते रहें। और इसमें जो हमने इलायची क्रश करके रखी थी उसको भी ऐड कर लेंगे, और सबको अच्छे से बस चलाते रहें कुछ देर तक, लगातार इसको चलाते रहना है। और जब बहुत अच्छे से ये देखिए मिक्स हो जाए, तब इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा पानी। पानी थोड़ा थोड़ा ही ऐड करेंगे। फिर लेते हैं हम 1 कप दूध। इस मिठाई में दूध बहुत ही अच्छा लगता है, तो बेसन और दूध की हम मिठाई बना रहे हैं इसमें, तो दूध थोड़ा सा ज़्यादा ऐड कर लीजिए। और थोड़ा सा ऐड करते हैं दोस्तों रोज़ वाटर। रोज़ वाटर जो होता है वो उसके टेस्ट को बहुत अच्छा बढ़ा देता है, खुशबू भी बहुत अच्छी आती है। तो अगर आपको रोज़ वाटर की स्मेल पसंद है तो ज़रूर ऐड करिएगा अपनी मिठाई में, बहुत ही टेस्टी और लाजवाब मिठाई बनेगी। और इसी तरह से थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते रहिए दोस्तों। और हाँ, बेसन को बहुत अच्छे से धीमी आँच पर भूनिएगा ज़रूर, नहीं तो खाने के बाद आपको उसमें कच्चापन लगेगा। तो बेसन को मीडियम आंच पर, यानी कि बिल्कुल धीमी आंच पर, धीमे धीमे कम से कम 15-20 मिनट बहुत अच्छे से भून लीजिएगा, तभी आगे उसमें पानी और सब कुछ मिक्स करना स्टार्ट करिएगा। और ये देखिए, सब पानी हम ऐड करते करते धीरे धीरे बहुत अच्छे से उसकी लुगदी बना लिए हैं। और अब हम ग्रीस करने के लिए, दोस्तों हमारे पास ब्रश नहीं था तो हमने टिश्यू पेपर में थोड़ा सा घी लगा करके उसको अच्छे से ग्रीस कर दिया है। और अगर आपके पास ब्रश है तो उससे कर लीजिए। और ये देखिए, कढ़ाई से जो हमारा ये पेस्ट है ये छोड़ रहा है कढ़ाई। अब इसको हम निकाल के, यानी कि ट्रांसफ़र कर लेंगे अपने दूसरे बर्तन में, जिसमें भी आपको मिठाई बनाना है उस बर्तन में उसको ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ये देखिए, अब इसको बराबर से बराबर जिस तरह से मिठाई का शेप होता है वो देने के लिए हम इसको पहले बहुत अच्छे से स्पैचुला से मिलाते रहेंगे, यानी कि बराबर कर लेंगे, कहीं भी ऊंचा नीचा या कम ज़्यादा ना हो, पूरे सरफेस में बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। तो हल्का सा घी लगा कर भी आप उसको ऐसे चिकना कर सकते हो ऊपर से। अब इसके ऊपर हम ऐड करते हैं अपना काजू बादाम जो हमने काट के रखे थे, वो इसी के ऊपर बिखेर लेंगे, जैसा भी आप चाहते हो उसी शेप में, चाहे आप ज़्यादा डालिए या कम डालिए, या जैसे आप चाहते हो उस तरह से आप इसके ऊपर बिखेर करके रख लीजिए। और जब अच्छे से बिखेर ले काजू बादाम, उसके बाद इनको हल्के से हाथ से प्रेस कर दीजिए, जिससे कि अच्छे से अंदर से दब जाए, यानी कि वो आपके पेस्ट को अच्छे से पकड़ लें आपके काजू बादाम, नहीं तो बिखरते रहेंगे वो बाहर। तो ये देखिए, अब मिठाई आपकी बिल्कुल बन के तैयार है। अब इसे दोस्तों 2-3 घंटे के लिए रख देंगे सेट होने के लिए, और उसके बाद इसे कट कर लेंगे। अब 2-3 घंटे के बाद इसे शेप में कट कर लीजिए। ये देखिए, चाकू में थोड़ा सा घी लगा करके उसको आप जैसा शेप देना चाहते हो, चाहे चौकोर दीजिए चाहे तिकोना दीजिए, वैसे आप इसे पीसेस में कट कर लीजिए। और ये देखिए, आपकी मिठाई पूरी तरह बन के तैयार है। ये देखिए, कट करने पर भी अच्छा आसानी से टूट रही है, और बहुत ही अच्छी और टेस्टी मिठाई बनती है। तो दोस्तों, रेसिपी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करिएगा।